नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लगभग 7.5 घंटे बातचीत होने के बाद आखिरकार किसान और सरकार के बीच की बातचीत खत्म हुई है, लेकिन अभी भी खुलकर सुलह नहीं दिखाई देती है। कम से कम अभी तक जो तस्वीर सामने आई है, एक तरफ कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत खुले मन से की जा रही है, आगे चल रही बढ़ रही है, लेकिन किसान नेता खुश नजर नहीं आए। अब एक दिन छोड़कर फिर चर्चा होगी, एमएसपी हटाने का सवाल ही नहीं है। ये बार बार नरेंद्र तोमर देश के कृषि मंत्री समझाते हुए बताते हुए किसानों को चाहिए लिखित में। परसों फिर से होगी किसान नेताओं से कृषि मंत्री की बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं कृषि मंत्री ने बैठक के बाद क्या कहा। सभी आमंत्रित श्रेणी के किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। दो तीन दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है, उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो। और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है उस पर भी उनकी शंका है, इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और बैठक के बाद क्या कहा कृषि मंत्री ने, ये तो आपने सुन लिया। भाई आपको सुनाते हैं जो किसान नेता जिनके साथ ये बातचीत चल रही थी वो भी बाहर आए, उन्होंने क्या कहा। आज की जो मीटिंग है उसमें सरकार संशोधन को की बात करने लगी है, पर हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम इसको रद्द कराना है, वापस करवाना है। और सरकार इस बात पर भी थोड़ा सहमत हुई है, अभी एमएसपी पर भी बाजार किया जाएगा। उनके कल वो अपने तौर पर बाजार करेंगे, परसों हमारी 1-2 बजे मीटिंग होगी और उससे पहले कल हमारी सारे संगठनों की, सारे हिंदुस्तान के जितने संगठन इस मीटिंग में शामिल हुए हैं उनकी सभी की 11 बजे हमारी मीटिंग होगी इमरजेंसी। इसीलिए सरकार थोड़ा सा कदम बढ़ाया, अब हम अपनी जो पुरानी मांग है उस पर अड़े हुए हैं कि संशोधन है जो हमसे मंजूर नहीं, हम पूरे जो हैं तीनों कानून उनको वापस कराने की हमारी पुरानी मांग है, उस पर हम कायम हैं। तोमर साहब ने तो बात सुनी, लिखा और संशोधन की बात भी करते हैं। हाँ, सरकार ने एमएसपी पे संकेत नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी तो बिल वापसी की भी बात है। अभी पूर्ण रूप से बिल वापसी की भी बात है और सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। नहीं नहीं, एक एक पर नहीं, एक पर नहीं, बहुत से चीजों पर बात होगी। अभी किसानों की तरफ से यही कि बिल वापसी हो
और सरकार बिलों में संशोधन और एमएसपी पे बात करना चाहती है। आज की बैठक के बाद आपको लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ी है या हाँ नहीं बढ़ी कुछ बात आगे बढ़ी कैसे नहीं आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया आंदोलन तो बढ़ेगा तो आंदोलन बढ़ेगा यही कहते हुए किसान नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बार बार यही कह रहे हैं कि खुले मन से हम बात कर रहे हैं खुले हुए हैं हर लेकिन मामला अभी भी अटका हुआ ही दिखाई देता है। फिर नए सिरे से बातचीत होगी। 7.5 घंटे आज बातचीत हुई। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की नेता। हरसिमरत जी इसी कृषि बिल पर आप लोगों ने सरकार से अपना रिश्ता तोड़ लिया था आज घंटों घंटों बातचीत चल रही है मामला सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है सरकार को क्या करते हुए देखती हैं आप जिससे ये मामला सुलझेगा और जिस तरह से ये आंदोलन बढ़ रहा है उस पर क्या कहेंगे। देखिए कानून सरकारों का काम है बनाना लोगों के फायदे में और उनके हित के लिए। आपने सबसे पहले कानून बनाया जिसके लिए आप जिसके फायदे के लिए बनाया उससे तो बातचीत आपने करी नहीं। आपने बिना बातचीत किए बिना उनके उनके सुझाव लिए आपने कानून उनके ऊपर उठा के थोप दिया। थोप के जब आप उनको कह रहे हैं ये आपके लिए लड्डू है तो वो लोग कह रहे हैं हमारे लिए जहर है। ये तो वो बात हुई कि आप सरकार कह रही है आप घर में बैठे हम आपके घर को आग लगा रहे हैं आप अंदर रहिए आपका घर जल जाएगा आप उसमें जल आपके लिए बहुत अच्छा है। भाई आप कोई कानून बनाते हैं चलो आपने बना दिया आपने गलती कर ली लेकिन जो लोग 3 महीने से इधर बैठे थे ठीक है पंजाब में बैठे बैठे रहे आपने तब परवाह नहीं करी। आपके खुद के सबसे पुराने एलाय वो आपसे बोलते रहे बार बार बोलते रहे आपके खुद के मंत्री आपसे गिड़गिड़ाती रहे कि आप उनकी आशंकाएं करके मत इस देश को कोविड में हम बोल रहे हैं ध्यान रखिए बाहर ना निकलिए आप क्यों सड़कों में उतार रहे हैं किसानों को मत करिए। चीन का बॉर्डर पे बैठा है आपको आंखें दिखा रहा है कोविड से देश जूझ रहा है इकोनॉमी जूझ रही है क्यों किसानों को सड़कों पे उतार रहे हैं आपने उनकी तक नहीं सुनी। और अखीर में जब इनके पास कोई चारा नहीं था इन्होंने पीसफुली दिल्ली जाके अपनी बात वहां उठाने की बात करी तो आपने देखा रस्ते में हरियाणा में बूढ़ी औरतें बूढ़े किसान छोटे बच्चों के साथ ऐसे सड़कों को खोद के पानी की बौछारें लगा के लाठियों से मार के आंसू गैस ऐसे करके कि आपका कोई बाहर का कोई क्या बाहर के देश के लोग आपके देश में कोई हमला करने आ रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट को आपने ऐसा कर दिया कि अपने लोगों को ऐसे लगने लगा कि हम ही देश के दुश्मन हैं। और अब 7 दिन हो गए 7 दिनों में 7 लोग वहां पे मर चुके हैं 3 मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। 20 साल में सबसे ज्यादा सर्दी इस सर्दी में पड़ रही है वो औरतें वो बच्चे वो बूढ़े वहां पे डटे हुए हैं। अब वो आप उन लोग को इतना रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते कि उनकी बातचीत जो वो लेके आए आप अपने कानून को आप वापस ले अड़ियल स्वभाव से आप नीचे उतर के अपनों को साथ में जोड़ लेंगे उनका विश्वास आप जीतेंगे क्यों इट हैज टू बी माय वे और द हाईवे। ये डिक्टेटरशिप नहीं है ये कौन सा शाही फरमान है भैया। आपने कानून लेके आए हैं जे वो कानून किसी को नहीं पसंद आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है। हरसिमरत जी आप कह रहे हैं कि सरकार मतलब हम्बल होकर किसानों के साथ बातचीत करे कदम पीछे हटाना होता है लेकिन सवाल तो सियासत पर है जो सामने आ रही है ना कहीं ऐसा तो नहीं किसानों की के कंधे पर आप लोग अपनी बंदूक। आखिर प्रकाश सिंह बादल साहब का पद्म विभूषण लौटाने का क्या मतलब है क्या ये पंजाब में अपनी सियासी जमीन वापस खोजने के लिए नहीं किया जा रहा है। देखिए बादल साहब आज देश के सबसे टॉलेस्ट किसान के लीडर हैं। आप कांग्रेस में पूछ लिए आपका किसानी लीडर कौन है आप भाजपा में पूछ लिए आप सब विरोधी पार्टियों में पूछ लिए कि आज देश में जो किसानों के लीडर पंजाब हिंदुस्तान के इतिहास में चौधरी चरणजीत जी से चौधरी देवीलाल जी से तो आज के दिन में सर बादल का ही नाम होगा जिन्होंने किसानी के लिए अपनी सारी उम्र लगा दी कि ये जो 70% हमारी देश की आबादी है देश की रीढ़ की हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होगी उतना ही देश मजबूत होगा जिसके लिए उनकी इंटायर पॉलिटिकल लाइफ जो उन्होंने भाईचारिक सांझ और कम्युनल हार्मनी के लिए उन्होंने अपना लगाया तो दूसरी तरफ पंजाब में किसानों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लगा दी और 16 साल उन्होंने कैद भी जेल भी उन्होंने भुगताई है इन्हीं लोगों के लिए। तो आज जब वो देखते हैं कि ये लोग जिनके लिए उन्होंने सारी उम्र लगा दी है आज जो सरकार उनकी अपनी सरकार जिसका वो हिस्सा थे जो वाजपेयी जी उनकी इतनी इज्जत करते थे जो प्रधानमंत्री जी कागज भरने से पहले प्रकाश सिंह बादल के पैर छूते थे
आज उनके लोग 3 महीने से ये संघर्ष कर रहे हैं, 6 दिनों से जिस हालात में बैठे हैं, जिन चीजों का सामना करके, तशद्दत का सामना करके, इतने शांतमय तरीके से अपनी बात, और बात क्या है कि इससे हमारा भविष्य सारा खत्म हो जाएगा, आप कृपया करके ये हमारे ऊपर ना थोपिए। और सुनने की तो दूर की बात, आज 6 दिनों से उनको जिस हाल में इन्होंने छोड़ा हुआ है, तो आज बादल साहब को मैंने इतना विचलित अपने इस परिवार में 30 सालों में मैंने नहीं देखा है जितना पिछले कुछ हफ्तों में और पिछले 6 दिनों में। और जो उनको रोक के नहीं रखा होता तो उनकी सेहत जो अलाउ करती, मुझे लगता वो अपने आप ही पैदल चल पड़ते, हमसे पूछते भी नहीं उधर चल पड़ते। लेकिन सेहत ना अलाउ करने के बाद वो जब मुझे कहते हैं कि आज मैं अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े आंदोलन में मेरे लोगों के ऊपर इतना हो रहा और मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनका सिर्फ यही था कि एक मेरे किसानों के साथ सॉलिडेरिटी, और दूसरा मेरा सेंस ऑफ बिट्रेयल कि जिन्होंने मुझे ये ऑनर दिया, सबसे सेकंड हाईएस्ट ऑनर पद्म विभूषण, जो एक इंसान को जीवन में मिलकर बहुत बड़ा मान होता है, ये मान मुझे इन लोगों की सेवा करके मिला है। लेकिन आज जैसा का वतीरा उन लोगों के साथ हो रहा है, तो फिर उन लोगों से क्या ये पद्म विभूषण लेना जो मेरे अपनों के साथ है। हरसिमरत जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी सरकार में आप कुछ ही सितंबर के महीने तक शामिल थी, पीएम खुद कह रहे हैं कि ना एमएसपी कहीं जाएगा ना मंडी, और क्या अब आपको पीएम की भी बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ये जानबूझकर इसीलिए बोला है ताकि किसानों की आशंका खत्म की जाए, पीएम पर भरोसा नहीं रहा आपको? देखिए जय प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो उनको लिखने में कोई भी आफत नहीं होनी चाहिए, उससे किसान का भरोसा बन जाएगा। और ये भी आप जानते हैं, मेरे सामने ये एक कागज है कि 2011 में सर मनमोहन सिंह ने एक वर्किंग कमेटी बनाई थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, जिसके चेयरमैन उस टाइम के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे। और इस कमेटी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2011 में क्या रिकमेंडेशन दी कि एमएसपी को एक स्टैच्यूरी लीगल राइट बनाया जाए, तभी किसानों का कोई भला हो सकता है। जो चीज आप 2011 में आज मुख्यमंत्री कहते थे, आज इन्हीं लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया है। आज वो सड़कों में बैठ के आपसे यही तो भीख मांग रहे हैं कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मिनिमम मतलब कम से कम किसान को जिंदा रहने के लिए सरकार ये कीमत तय करती है, और फिर वो कीमत आप ऐलान करके अपने आप को तो पीठ थपथपाते हैं, लेकिन देश के 90% किसानों को वो कीमत ही नहीं मिलती है और लगातार खुदकुशियां बढ़ रही है। तो आज ये सारा किसान सड़क पे उतर आया है, आंदोलन पे आ गया कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने तय करनी है वो तो हमारा हक बना दीजिए। तो क्या बदल गया है 2011 से आज तक कि जब आपके हाथ में वो ताकत आई है बदलने के लिए, आप बदलने को नहीं राजी हैं, और ऐसे बूढ़ी मावों को, बूढ़े किसानों को, बच्चों को, आप कभी आपकी पार्टी उनको नक्सल बोलती है, कभी खालिस्तानी बोलती है, कभी बिचौलिया बोलती है, और ऐसे ऐसे लोग तो कहते हैं 100-100 रुपए में मेरी दादियां हायर पे आई, मतलब इनको ये समझ से, मेरी समझ से बाहर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको अश्योर करने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आप देते? ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हरसिमरत कौर बादल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिनका ये कहना था कि हर हाल में सरकार को किसानों के सामने झुकना चाहिए और उनकी बात स्वीकार करनी चाहिए। बहरहाल, अब आइए आपको दिखाते हैं आज कैसे ये पूरा का पूरा जो बवाल है वो अलग मकाम पर पहुंचा, क्योंकि आज सीधी बातचीत का दूसरा दौर था किसानों और सरकार के बीच में। एक तरफ बातचीत आगे बढ़ रही थी, उधर कैप्टन अमरिंदर अमित शाह से मिले हैं, कैसे सियासी बवाल हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के आलिशान विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं में घंटों तक बातचीत का लंबा दौर चला, और उसी दौरान दिल्ली के बॉर्डर समेत देश के अलग अलग शहरों में अन्नदाताओं का आक्रोश सामने दिखा। किसानों का विरोध नए कृषि कानून के खिलाफ है, जिसे सरकार ने चंद महीने पहले ही लागू किया है। हालांकि गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत के कई दौर चले, समाधान निकालने की कोशिश चलती रही, लेकिन साथ ही परवान चढ़ती रही वो सियासत भी, जिससे देश का शायद ही कोई मुद्दा अछूता रहता है। खासकर गैर बीजेपी दल और गैर बीजेपी शासित राज्य खुलकर किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में मुलाकात की। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। हालांकि किसान नेताओं के साथ बातचीत से पहले देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सकारात्मक हल की उम्मीद जताई थी, लेकिन किसान आंदोलन पर सियासत की मोटी परत चढ़ चुकी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। गरीब किसान कल्याण योजना जिसमें लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ किसान की बदौलत है, अन्नदाता की बदौलत है, उसको एक पवित्र संस्था मान करके चलना चाहिए। उस पर उसको खालिस्तानी कहना, अराष्ट्रीय कहना, अराजक कहना, ये संबोधन उसके लिए उचित नहीं। जरूर समाधान निकलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों के हित में लगातार कार्य करती आ रही है। अगर किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी आशंकाएं हैं वो सरकार के साथ बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि किसान अपनी आजादी लेकर के मानेगा, अध्यादेश जो आया है उसको बदला के मानेगा, और जब तक सरकार अध्यादेश नहीं बदलेगी देश का किसान आंदोलन करता रहेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। मामला सिर्फ किसान आंदोलन के समर्थन या खिलाफ होने तक ही सीमित नहीं है, अब तो इस मामले में अवार्ड वापसी का ऐलान भी होने लगा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के दिग्गज प्रकाश सिंह बादल ने पद्म भूषण लौटाने का ऐलान किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी पद्म भूषण सम्मान वापस करने का फैसला किया है। सरकार के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि आक्रोशित किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। वहीं सरकार इस असमंजस में है कि वो कृषि कानून पर बैकफुट पर जाए तो कैसे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं, लेकिन इस बीच आज किसानों ने बैठक में जो नाराजगी जाहिर की उसकी खूब चर्चा है। आइए आपको दिखाते हैं विज्ञान भवन में, जब सरकारी मेजबानी यानी खाना उन्हें कहा गया खाने को, उन्होंने इनकार कर दिया, अपने खाने का बंदोबस्त खुद किया और खुद से खाया। ये तस्वीर ना तो किसी गुरुद्वारे की है, न सड़क पर डेरा डाले किसानों के लंगर की। सामूहिक भोज का ये नजारा उसी हाई प्रोफाइल जगह का है जहां किसानों और केंद्र सरकार के बीच आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत हो रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज चौथे दौर की चर्चा के लिए किसान नेता और केंद्र सरकार के नुमाइंदे फिर से जमा हुए। बातचीत के दौर के बीच लंच का वक्त हो गया। सरकार की ओर से खाने पीने का पूरा इंतजाम था। मंत्रियों ने किसान नेताओं को भोजन का न्योता दिया, लेकिन किसानों की नाराजगी का आलम यह था कि वो सरकारी खाने को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं थे। किसानों ने सरकारी भोजन को नकार दिया। दोपहर के खाने के लिए किसानों ने खुद का इंतजाम किया। खाने के लिए किसानों ने 1.5 घंटे इंतजार किया। सिंधु बॉर्डर से किसानों के लिए खाना आया। लंच में किसानों ने दही पराठा खाया। एम्बुलेंस है जो दोपहर को न सिर्फ खाना लेके आई थी बल्कि चाय भी लेके आई थी। क्या क्या नाश्ते में आपको क्या लेके आए थे, कहाँ से आए? ये लंगर से आया था जी नाश्ता, और पराठा आया था जी, पराठा, लस्सी, पानी, ये सब चार, दही, सब वहीं से आया था जी। जी लंच के बाद बातचीत का दौर फिर से शुरू हुआ। चर्चा लंबी चल रही थी, सवाल और जवाब का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच शाम की चाय का वक्त भी हो गया और इसी बहाने किसानों ने एक बार फिर सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया। किसान नेताओं ने शाम के चाय नाश्ते का भी इंतजाम खुद किया। चाय और बिस्किट बंगला साहिब गुरुद्वारा से आए। जब नाश्ते का वक्त आया तो बंगला साहिब गुरुद्वारे से गर्मा गर्म चाय आई। चर्चा मंजूर थी पर चाय नहीं, और सरकार ने बड़े बड़े इंतजाम किए थे खाने के लिए भी और शाम के नाश्ते के लिए भी, मगर किसान नेताओं ने कहा जब हमारे किसान सड़क पर भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं तो हमें सरकार की खिदमत में कुछ भी मंजूर नहीं। बात भले ही छोटी लगे
लेकिन किसानों ने खाने पीने के सरकारी इंतजामों का बहिष्कार करके बड़ा संदेश दिया। ये संदेश दिल्ली के बाहर खुले आसमान के नीचे डटे उनके अपने हजारों साथियों के लिए भी है। उनके नेता उनकी मुश्किलें लेकर सरकार के पास गए हैं, ना कि सरकारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने। दिल्ली से मौसमी सिंह और अशोक सिंगल के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन फिल्म सिटी नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में बनने पर कैसे छिड़ गया सियासी घमासान यूपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब बात उस सियासी टक्कर की जो फिल्म सिटी पर छिड़ गई है दो सरकारों के बीच, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है, क्योंकि फिल्म सिटी का प्लान लेकर यूपी के लिए मुंबई पहुंच गए योगी आदित्यनाथ। शिवसेना तिलमिला उठी, कहा कि किसी की ताकत नहीं है, उद्धव ठाकरे ने कहा, जो यहां से मुंबई से फिल्म सिटी को ले जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा हम उठाकर नहीं ले जा रहे, टक्कर देने के लिए नई फिल्म सिटी बना रहे। फिल्म सिटी पर छिड़ गई है उद्धव और योगी की जंग। अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है। उद्धव बोले बॉलीवुड को किसी का बाप नहीं ले जा सकता। कि अपने यहाँ से वहाँ उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। अरे मुंबई की फिल्म सिटी कोई गमला है कि पर्स है कि योगी जी उठा के ले जा रहे हैं? अरे मुंबई की फिल्म सिटी भी रहेगी। क्या यूपी और मुंबई में बंटने जा रहा है बॉलीवुड? जो एक नेचुरल कॉम्पिटिशन उसके आधार पर फिल्म सिटी बनाएंगे। आप अपने कल्चर को आप ठीक करिए शिवसेना के लोग। यूपी में फिल्म सिटी के प्लान से मुंबई में मची खलबली। फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है, यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल ही नहीं। शिवसेना के अंदर जो डर है उसका कारण एक है, कारण उनको लगाव बॉलीवुड से नहीं है, उनका लगाव है जोर जबरदस्ती करके वसूली जो करते हैं। तो आइए देखते हैं फिल्म सिटी की फाइट। सुशांत मामले के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नए फिल्म सिटी का जिक्र किया था, तब से ही शिवसेना किसी न किसी तरीके से उन पर इस मुद्दे पर हमला कर रही है। अब जरिया बना सामना मुखपत्र शिवसेना का, जिसमें उत्तर प्रदेश की तुलना वेब सीरीज मिर्जापुर से कर दी गई। यही नहीं, ये कहा गया है कि कोई हाथ में बच्चे के चॉकलेट नहीं है बॉलीवुड फिल्म सिटी कि उसे लेकर कोई चला जाए। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद पर बहस छिड़ गई। सबसे पहले कंगना ने वीडियो जारी कर सुशांत की मौत पर सवाल उठाए। आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते। और बॉलीवुड में इन्हीं सवालों के साथ यूपी में एक नई फिल्म सिटी बनने की भी चर्चा शुरू हो गई। और करीब 3 महीने पहले यानी सितंबर में योगी आदित्यनाथ ने अपने फिल्म सिटी प्लान का ऐलान कर दिया,
और अब यूपी में फिल्म सिटी का पूरा प्लान लेकर योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंच गए। उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। योगी के इसी प्रोजेक्ट से उद्धव सरकार और पूरी शिवसेना के तन बदन में आग लग गई और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना से योगी आदित्यनाथ पर सारी भड़ास निकाल दी। योगी के फिल्मी प्लान से तिल मिला गई शिवसेना। यूपी में योगी के फिल्म सिटी पर हमलावर हो गई शिवसेना। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपी के फिल्म सिटी पर वार। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे पीछे चुराए तो उन्हें मार के चले जाए, तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। शिवसेना ने वेब सीरीज मिर्जापुर का उदाहरण सामने रखते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि वेब सीरीज मिर्जापुर में दिखाए गए प्रसंग ही यूपी की वास्तविकता है। अब मुंबई में मिर्जापुर 3 बनने की तैयारी हो रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि यूपी की आपराधिक सच्चाई, कानून व्यवस्था का सनसनीखेज फिल्मांकन मिर्जापुर 1 और 2 वेब सीरीज में है। विपक्षी दल यूपी की अवस्था मिर्जापुर जैसी ही होने पर आरोप लगाते हैं। इस सच्चाई को बदलने की जिम्मेदारी योगी सरकार की है। सिर्फ दीवारें खड़ी कर देने से स्थिति नहीं बदलेगी। फिल्म सिटी की ये फाइट कानून व्यवस्था तक आई तो योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि शिवसेना योगी के फिल्म प्लान से क्यों डर रही है। शिवसेना के अंदर जो डर है उसका कारण एक है, कारण उनको लगाव बॉलीवुड से नहीं है, उनका लगाव है जिस प्रकार के वो जोर जबरदस्ती करके वसूली जो करते हैं। एक जो शिवसेना सिंडिकेट बॉलीवुड में चलता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां के लोग भी बड़े परेशान है बॉलीवुड। लेकिन शिवसेना योगी आदित्यनाथ पर किस कदर तिलमिलाई हुई है उसने आगे जो मुखपत्र सामना में लिखा उससे अंदाजा हो जाएगा। शिवसेना ने लिखा, मुंबई से फिल्म सिटी उद्योग उठाकर ले जाना किसी बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन कर ले जाना जितना आसान नहीं है, ये किसी के बाप के लिए भी संभव नहीं है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं का इस पर क्या मत है? क्या मुंबई में आई योगी को भी उनका समर्थन है? ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। मैग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्य से एक ताकत है और ये ताकत कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। कॉम्पिटिशन उसके आधार पर फिल्म सिटी बनाएंगे जो आधुनिक होगी, वहां पे निवेशक आना चाहते हैं क्योंकि सुरक्षा का एक माहौल है। और ये बात साफ होती जा रही है कि जो शिवसेना का एक कल्चर है बॉलीवुड के साथ वो उनको पचाता नहीं है, और इसलिए आप अपने कल्चर को आप ठीक करिए शिवसेना के लोग, और दूसरों पे उंगलियां ना उठाएं। आपको कुछ रखना है आप रखिए, हम कौन लेके जाना चाहता है। कंपटीशन है ये देश के अंदर, और हमारा राज्य जो है योगी जी के नेतृत्व में एक अच्छा और कॉम्पिटिटिव स्टेट बनता जा रहा है, जिसके आधार पर निवेशक आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का एक माहौल है। जब से यूपी में फिल्म सिटी की बात शुरू हुई है उद्धव सरकार और शिवसेना लगातार यही कह रही है कि मुंबई से बॉलीवुड को कोई छीन नहीं सकता। योगी कह रहे हैं कि वो फिल्म सिटी छीनने नहीं आए हैं बल्कि कंपटीशन देने आए हैं। अरे मुंबई की फिल्म सिटी कोई गमला है कि पर्स है कि योगी जी उठा के ले जा रहे हैं? अरे मुंबई की फिल्म सिटी भी रहेगी, हैदराबाद की फिल्म सिटी भी रहेगी, और अब उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी भी बन रही है। आज सब लोग काम करो, जहां आपका दिल करे वहां काम करो, ये तो सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। हम तो उद्धव ठाकरे साहब से कहेंगे, संजय राउत साहब से कहेंगे कि मुंबई में एक फिल्म सिटी और बनाओ, और एकदम हाई फाई बनाओ, टेक्निकली एकदम गुणवत्ता के हिसाब से हाई फाई बनाओ, खूब खूबसूरत बनाओ। कोई मुंबई के बाहर शूटिंग करने जाएगा नहीं और क्या। फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है, और इस प्रकार का यहाँ के जो यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, मुझे लगता है नहीं कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे
तो यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को, उतनी सुविधा बाहर के राज्य कोई दे सकता है करके यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल ही नहीं। मुंबई पे निशाना नहीं कर रहे थे, आपके रवैया पे जो आपने प्रवास, जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी या बिहार के जो प्रवासी हैं उनके साथ जिस प्रकार का आपने जो बर्ताव किया, इसलिए हमें बोलना पड़ा था। आपने नहीं करा होता तो वहां से भाग के नहीं आते, और 1 करोड़ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रवासी आए थे उनको नौकरियां दी हैं, उनको भूखा नहीं रखा है जो आप कर रहे थे, और वो आज हम लोगों ने जो किया तो उसकी सराहना हो रही है। तो आप भी अच्छे कार्य करिए, सरकार में है मगर सरकार में रह के अच्छे कार्य करिए उद्धव ठाकरे जी, और आप एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में आइए। और मगर ये जरूर हम कहते हैं, और चुनौती के रूप में, मंत्री के रूप में मैं कहता हूं, फिल्म सिटी ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा के अंदर हम फिनटेक सिटी भी बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में योगी सरकार पर रोजगार को लेकर भी वार किया। शिवसेना ने सामना में लिखा, लॉकडाउन के दौर में जो लोग मुंबई की आलोचना कर रहे थे वही अब यहाँ आ रहे हैं। मुंबई से नोच कर ले जाकर योगी महाराज लखनऊ और नोएडा में सोने की धूल कैसे उड़ाएंगे। लाखों उत्तर भारतीय घर परिवार छोड़कर दो रोटी के लिए मुंबई में आते हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिले बगैर योगी के संकल्पना वाली माया नगरी से सोने की धूल नहीं निकलेगी। उद्धव ठाकरे सरकार और योगी आदित्यनाथ की यह लड़ाई अब बहुत आगे निकल गई है। हम आपको बता दें कि मुंबई की फिल्म सिटी 520 एकड़ में बनी है, जबकि यूपी में फिल्म सिटी 1000 एकड़ में बनाने का प्लान है। कंपटीशन तगड़ा है। सवाल यह है कि क्या योगी का फिल्मी प्लान बॉलीवुड का बंटवारा कर देगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। और अब खबर जरा हटके, MDH मसाला चलाने वाले धर्मपाल गुलाटी, 1500 रुपए से शुरुआत की थी, 25 करोड़ सैलरी वाले 98 साल के बुजुर्ग, आज उनका निधन हो गया है, लेकिन जो कर गए कर गए। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस चेहरे को पहचानता है, जी हाँ, मसाला किंग महाशय धर्मपाल गुलाटी। इनकी शोहरत और दौलत के चर्चे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन अब धर्मपाल गुलाटी दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह 5:38 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। उनका 98 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे धर्मपाल एक 5वीं पास से CEO बन गए, कैसे धर्मपाल 1500 रुपए से 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। हम आपको बता दें कि व्यापार और उद्योग में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पिछले साल उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से नवाजा था। धर्मपाल अपनी कंपनी के CEO थे और 25 करोड़ उनकी सैलरी थी। 98 साल के गुलाटी अपने मसालों का विज्ञापन खुद ही करते थे। एक तांगा चलाने वाला साधारण इंसान जिसने शून्य से अपनी यात्रा शुरू की और हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया, मसालों के शहंशाह उनको लोग कहते हैं। और अपने आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने के साथ साथ अनाथ बच्चों की सेवा से लेकर के गुरुकुल में सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ाने से लेकर के कन्याओं की शिक्षा से लेकर के समाज सुधार के, समाज कल्याण के। धर्मपाल गुलाटी विज्ञापन की दुनिया के सबसे उम्रदराज स्टार और महाशिया दी हट्टी यानी MDH के मालिक थे। कभी तांगा चलाकर पेट भरने को मजबूर धर्मपाल आज की तारीख में 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस ग्रुप छोड़कर गए हैं। मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी का कारोबार लंदन से लेकर दुबई तक फैला हुआ है। आज तक ब्यूरो। कैसे धर्मपाल गुलाटी बने मसाला किंग, बताएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। धर्मपाल गुलाटी का आज निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। कभी रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे,
करोल बाग में फिर एक मसाला बेचने की दुकान खोली, वहां से देश के बड़े कारोबारियों में उनका नाम शामिल हुआ। मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी के निधन की खबर एक बार और आई थी, लेकिन उस वक्त धर्मपाल ने खुद सामने आकर बताया था कि उनकी मौत की खबर सिर्फ एक कोरी अफवाह है। लेकिन अब वो दुनिया से अलविदा कह गए हैं। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। 1947 में देश विभाजन के बाद वो भारत आ गए थे। भारत आकर उन्होंने परिवार के भरण पोषण के लिए तांगा चलाना शुरू किया। एमडीएच की वेबसाइट पर किए गए दावों के मुताबिक धर्मपाल गुलाटी एक समय पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से बारह हिंदू राव तक तांगा चलाते थे। प्रति सवारी 2 आना मिलता था। भारत आने के समय उनके पास 1500 रुपए ही बचे थे, जिससे उन्होंने 650 रुपए में घोड़ा और तांगा खरीदा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने तांगा अपने भाई को दे दिया और सबसे पहले दिल्ली के करोल बाग के अजमल खान रोड पर धर्मपाल ने पहली दुकान खोली थी। इस दुकान से मसाले का कारोबार धीरे धीरे इतना फैलता गया कि आज उनके भारत और दुबई में मसाले की 18 फैक्ट्रियां हैं। आज तक प्योर। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।